हेलो स्टूडेंट, ये हमारा एनडीए क्वेश्चन है जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। तो ये इस तरह क्वेश्चन आपको एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो प्रीवियस उसमें पूछे जा चुके हैं। तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी सीखते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एफ एक्स दिया हुआ है जो दो पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है, एक वन पे और एक टू पे, ठीक है, वन और टू पे डिफाइन हो रहा है। बोल रहा है जब एक्स हमारा क्या हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू वन है तो हमारा एक्स प्लस सिक्स दे रहा है एफ एक्स। और अगर जो एक्स है हमारा वन और टू के बीच में जो पैरी कर रहा है तब हमारा पी एक्स प्लस क्यू आ रहा है। और जब हमारा एक्स जो है ग्रेटर देन एन इक्वल टू टू है तो हमारा एफ एक्स दे रहा है फाइव एक्स। और दूसरा चीज बोल रहा है कि एफ एक्स जो हमारा है कंटिन्यूअस, तो सतंग बोलते हैं उसको, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, मतलब हमें पी और क्यू का वैल्यू पूछ रहा है कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये देखिए पी और क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, कंटिन्यूअस भी बता दिया, फंक्शन भी दिखा रहा है कि दो पॉइंट पे हो रहा है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग जो कंटिन्यूटी वाला जो रूल होता है वो रूल क्या है, एफ एक्स पहला पॉइंट क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू वन है ना, तो वन से छोटा मतलब वन माइनस बराबर लिमिट एक्स टेन टू वन से बड़ा मतलब वन प्लस बराबर एफ एक्स सॉरी इंटू इक्वल टू एफ एक्स बराबर हमारा एफ वन के बराबर होगा। तो हमारा क्या होगा, वन जो वन पे जो बोल रहा है ये वन पॉइंट जो है उस पे हमारा एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा और लिमिट एग्जिस्ट करेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन एफ दूसरा पॉइंट क्या है, टू है, तो टू से छोटा मतलब एफ टू माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ एक्स बराबर एफ टू, अगर बराबर होता है दो तीनों तो क्या होगा, यहाँ पे टू पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देख रहे हो तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया कंटिन्यूअस है, तो ये तो पहले ही क्या होगा हमारा टैली करेगा। तो अब देखो यहाँ से अगर हम क्या करें, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं मतलब वन पे लेते हैं वन पॉइंट पे, तो हमारा क्या आएगा, तो देखो वन माइनस मतलब वन से छोटा ना, तो ये वन से छोटा कंडीशन है, तो वन से छोटा क्या आएगा, एक्स प्लस सिक्स लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस मतलब वन से बड़ा मतलब ये वाला कंडीशन पी एक्स प्लस क्यू बराबर एफ वन पे ही मतलब यही कंडीशन आएगा, मतलब ये जो पहले वाले लिखा ये दोनों रहने देते हैं तो मतलब यही सेम हो गया। अब यहां से अगर वन पुट करते हैं तो यहां पर आ जाएगा वन प्लस सिक्स बराबर यहां पर वन पुट करते हैं तो पी प्लस क्यू, यहां से पी प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, छः और एक सात, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, हमारा पी प्लस क्यू आ गया छः प्लस सात, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेस ले रहे, ये दूसरा कंडीशन यूज कर रहे हैं मतलब दूसरे पॉइंट पे टू पे, तो टू माइनस मतलब दो से छोटा ये कंडीशन है, तो दो से छोटा मतलब लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस बराबर पी एक्स प्लस क्यू बराबर टू से बड़ा मतलब दो टू प्लस मतलब टू से बड़ा मतलब ये वाला कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस फाइव एक्स। और एफ टू पे मतलब यही कंडीशन होगा तो इसे ही रहने देते हैं सेम बराबर। अब इसे हम क्या करें टू पुट करते हैं तो टू पी प्लस क्यू बराबर टू पुट करेंगे तो फाइव टू जा टेन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है दूसरा कंडीशन, ठीक है, ये हमारा दूसरा कंडीशन आ जा रहा है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या दिया हुआ, पहला इक्वेशन p प्लस क्यू बराबर सेवन, ठीक है, एंड टू पी प्लस क्यू बराबर टेन। अगर हम देख रहे थे अगर माइनस कर देते तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो q और प्लस माइनस q और प्लस q कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू पी में से दूसरे टू पी में से पी जाएगा तो बचेगा हमारा माइनस पी बराबर दस में से सात गया तो तीन बचे, लेकिन माइनस में हो क्योंकि माइनस वाला टर्म बड़ा है तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल तो हमारा पी बराबर आ जाएगा तीन, ठीक है, तो हमारा पी का आंसर आएगा कितना थ्री। अब इसी को हम क्या करें किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मतलब इसमें पुट कर दे रहे हैं पहले इक्वेशन में, तो हमारा आ जाएगा देखो यहाँ पे हो जाएगा तीन प्लस क्यू बराबर सात, तो q बराबर सात माइनस तीन, तो q बराबर आ जाएगा सात में से तीन गया तो
ये चार, मतलब मेरा P और Q का वैल्यू आ गया इजिली। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी लिमिट में किसी भी कल्चर कॉन्स्टेंट टर्म अगर दिया है तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपको कैसा कॉन्सेप्ट लगा, अच्छा लगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, इस तरह की वीडियो ले आऊंगा मैं आपको जो हेल्प करेगा। धन्यवाद।